भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मिथिलावासी अहा सबके गौर लागे छे। बाबा मदनेश्वर और काली मां की कृपा हम सभी पर बनी रहे और आप सभी का आशीर्वाद हम सब पर, सब चौकीदार पर बना रहे, इसी कामना के साथ मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला। मैं भाग्यशाली हूं। अभी मैं बंगाल में एक कार्यक्रम करके आ रहा हूं और ऐसा जनसैलाब बंगाल में देख करके आया और यहां ये दूसरा ऐसा जनसैलाब। इतनी गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में लोग और ज्यादातर लोग धूप में खड़े हैं, इतनी भयंकर धूप में तप रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारी सारी व्यवस्थाएं कम पड़ गई, आपको धूप में तपना पड़ रहा है, आपको जो परेशानी हो रही है इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन आप इस ताप में जो तप रहे हैं ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मैं प्रधानमंत्री के रूप में, सेवक के रूप में लगातार 5 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं। लेकिन आप सब जानते हैं मैं आता हूं द्वारिकानाथ की धरती से। और गोपालक का और द्वारिकानाथ का सीधा नाता है। और ऐसे समय जो भी भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं वो सभी जहां जहां मैं जाता हूं आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में सुपौल, मधेपुरा, झंझारपुर से, सीमांचल के अनेक हिस्सों से आप यहां आए हैं। आप सभी का यही प्यार, यही विश्वास, यही मेरा खजाना है, यही मेरी कमाई है जो बीते 5 वर्षों में मेरे खाते में जमा हुई है। भाइयों बहनों, ये धरती महान साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु जी की जन्मस्थली भी है। अभी उनके सुपुत्र जी के द्वारा मुझे मशहूर उपन्यास मैला आंचल मुझे भेंट किया गया। उस मेला अंचल में लिखा है और बहुत ही सटीक तरीके से फणीश्वरनाथ जी ने लिखा है, मैं साधना करूंगा, मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत मां के मेले आंचल तले।
मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। आप सोच रहे होंगे इस चुनाव सभा में भी मैं फणीश्वरनाथ जी की उनके साहित्य की चर्चा क्यों कर रहा हूं, लेकिन इस वाक्य के पीछे जो भाव है, जो शब्द है, वो हम सबकी प्रेरणा है, महत्वपूर्ण है। भारत माता ग्रामवासिनी मेला अंचल और साधना। भाई और बहनों, आज ये पंक्तियां इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ लोगों को आजकल भारत माता की जयकारा पर भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं, उनको दर्द होने लगता है। जिन्हें भारत माता से दिक्कत होगी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगाने वालों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, वो भारत के विकास के लिए साधना भी कैसे कर पाएंगे। खुद को मां भारती के लिए खपा भी कैसे पाएंगे। मैं जरा ऐसे लोगों को आज एक करारा जवाब देना चाहता हूं, आप मेरा साथ देंगे? आपकी आवाज उनके कानों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बोलने वालों के सीने पर आपका एक शब्द, एक एक शब्द पहुंचना चाहिए, उनके कान फट जाने चाहिए। भारत के प्रति उनका जो भाव है, उसको गहरी चोट लगनी चाहिए। आप बोलेंगे? बोलेंगे? जोर से बोलेंगे? हाथ ऊपर करके दोनों मुट्ठी बंद कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, किसी भी जाति से पहले, किसी भी पंथ से पहले हम भारतीय हैं, हमारी पहचान भारतीय है। मां भारती की सेवा, उसकी साधना की इस भावना के साथ ही बीते 5 वर्षों में पूरी ईमानदारी से मैंने आपकी सेवा करने का प्रयास किया है। इसी सेवा भाव से देश का विकास होता है। वहीं जब सत्ता भोग और परिवार का विकास ही लक्ष्य हो जाता है, तब हर जगह कलह और बंटवारा ही दिखाई देता है, और बिहार में तो साफ नजर आ रहा है। साथियों, आज देश के एक तरफ वोट भक्ति की राजनीति है, तो दूसरी तरफ देशभक्ति की। आप याद कीजिए, 26/11 को मुंबई में जब आतंकियों ने हमला किया था, तो कांग्रेस और उसके साथियों की सरकार ने क्या किया था? तब देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सेना को कुछ भी करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे वोट भक्ति की राजनीति करनी थी। साथियों,
सबको पता था कि आतंकी पाकिस्तानी थे, लेकिन कांग्रेस उसके साथियों ने पाकिस्तान को सजा देने के बजाय हिंदुओं के साथ आतंकी शब्द चिपकाने के लिए साजिशों पर ध्यान लगाया। योजना बनाकर जांच की पूरी दिशा ही भटका दी गई। ये भी इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों को वोट भक्ति की राजनीति करनी थी। भाइयों और बहनों, देशभक्ति की राजनीति क्या होती है ये आपने पहले उरी के हमले के बाद देखा और बाद में पुलवामा हमले के बाद भी देखा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई और फिर एयर स्ट्राइक हुई। परिणाम ये है कि जो पाकिस्तान पहले चोरी और सीनाजोरी दोनों करता था, अब दुनिया भर में जाके गुहार लगा रहा है। भारत ने आतंकियों को घुसकर मारा भी और पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग भी कर दिया। भाइयों बहनों, ये घुसकर के मारना ठीक ठाक नहीं था, एक घुसकर के मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? आप खुश हैं? आप खुश हैं? ये आपका चौकीदार सही कर रहा है? नए हिंदुस्तान के नए तेवरों से आप संतुष्ट हैं? भाई और बहनों, आपने देखा होगा चुनाव शुरू होने से पहले जो लोग उछल उछल करके बोल रहे थे, सबूत मांग रहे थे, मोदी का जवाब मांग रहे थे, दो चरण के मतदान के बाद उनका चेहरा ऐसा ढीला पड़ गया, ऐसा ढीला पड़ गया। और भांति भांति के सवाल खड़े करने वाले लोग, सबूत मांगने वाले सबूत नहीं मांग रहे, एयर स्ट्राइक का जवाब मांगने वाले वो भी चुप हो गए, बम गिरा था कि नहीं गिरा ये भी पूछना बंद कर दिया, बम ने आतंकवादियों को मारा कि नहीं मारा ये भी पूछना बंद कर दिया, कितने आतंकवादी मरे थे, इतने मरे कि उतने मरे ये भी पूछना बंद कर दिया। ये उनकी बोलती बंद किसने की? ये चिल्ला चिल्ला करके महीने से चीख रहे थे, इनकी बोली भी किसने बंद कर दी? ये हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बंद कर दी। पहले और दूसरे चरण के मतदाताओं ने उनके मुंह पे ताला लगा दिया है। दो चरणों का जो रुझान आया है उसके बाद आप भारत के वीर जवानों से सबूत मांगना क्यों भूल गए हो? उनको लगता था ऐसी हो हल्ला करके वोट बैंक को जमा कर लेंगे, लेकिन सच को कभी कोई आंच नहीं आती है भाइयों। और इसलिए देश की जनता हमारे साथ खड़ी हो गई और दो चरणों में उनकी जमीन खिसक चुकी है भाइयों। अब तो उनको चिंता है, पहले जितने पार्लियामेंट में थे वो भी पहुंच पाएंगे कि नहीं इसकी फिराक में है, वरना यही लोग थे जो पहले इतना रो रहे थे, हमारे वीर जवानों के पराक्रम पर इतने सवाल उठा रहे थे कि पाकिस्तान ने
इन्हें अपना हीरो बना लिया था। साथियों, मैं इन लोगों को आज भी चुनौती देता हूं, हिम्मत है, ये चुनाव में जनता के बीच जाओ और पुलवामा के शहीदों का हमने जो बदला लिया है उसकी जरा चर्चा करके देखो, सेना के पराक्रम पर सवाल पूछ के देखो। मैं चुनौती देता हूं, नहीं बोल पाएंगे साथियों। इसी तरह की वोट भक्ति की राजनीति की गई थी जब दिल्ली के बाटला हाउस में हमारे वीरों ने आतंक के एक मॉड्यूल को खत्म किया था, लेकिन आतंकियों पर कार्रवाई से खुश होने के बजाय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की आंख में आंसू आ गए थे। क्या ये उस शहीद का अपमान नहीं था जिसने बटला हाउस में आतंकियों को घर में घुस करके मारा था? भाई और बहनों, देशभक्ति जब प्रेरणा देती है तब सबका साथ सबका विकास सरकार का मंत्र बन जाता है, सबको सुरक्षा सबको सम्मान प्रतिज्ञा बन जाती है। गांव गांव तक अच्छी सड़कें, हर घर हर गरीब को पर्याप्त बिजली कैसे मिले, लोगों की पानी की समस्या कैसे दूर हो, इस पर सोचा जाता है। और आपने देखा होगा बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में, सुशील जी के नेतृत्व में, रामविलास जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहां के सामान्य मानवी के सपनों को पूरा करने में सफल हो रही है। 2022 तक मेरा सपना है दोस्तों, 70 साल में इनमें सपने देखने की भी ताकत नहीं थी, जमीन पे उतारने की तो बात छोड़ो। मेरा सपना है और मेरा सपना बांझ नहीं होता है, मेरा सपना संकल्प होता है, और मेरा संकल्प मेरे पसीने के एक शरीर का कण कण मैं उसके लिए खपा देता हूं। और मेरा सपना है 2022 तक देश के हर बेघर को, हर गरीब को उसका पक्का घर मिलेगा, ये मेरा सपना है। गरीब बहन बेटियों की गरिमा और उनकी तकलीफ दूर करने के लिए शौचालय बने, ये सोचा जाता है। अरे गरीब से गरीब तक मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन कैसे पहुंचे, गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए हम लगे रहते हैं, पसीना बहाते हैं। साथियों, आपके इस चौकीदार की सरकार में आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत देश में चल रही है। हर वर्ष गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। सिर्फ 7-8 महीने में ही इस योजना की वजह से 21 लाख गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज मिला है। साथियों, गरीबों के लिए समर्पित राजनीति में और सत्ता हथियाने के लिए की गई झूठी प्रतिज्ञा में, झूठी नीति में, झूठी रीति में और झूठी नियत में फर्क होता है। झूठ की राजनीति करने वाले लोग बिहार में एक और अफवाह फैलाने में लगे हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग के गरीब के लिए जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसके बाद आरक्षण की व्यवस्था ही खत्म कर दी जाएगी। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, ऐसे झूठे लोगों से बचिए। ये झूठी रिकॉर्ड 20 साल से चला रहे हैं, 20 साल से, और पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं।
बाप भी चला रहा था, बेटा भी चला रहा है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, उनको जो आरक्षण का जो प्रावधान हमारे आदरणीय बाबा साहब आम्बेडकर करके गए हैं, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं बिहार के लोगों से ये कहूंगा, ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे लेकर भी सतर्क रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यही लोग, यही कुनबा कुछ दलितों के हक में से मार लेगा, कुछ आदिवासियों के हक में से मार लेगा, कुछ पिछड़ों के हक में से मार लेगा, और आप बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दिया है उसमें से थोड़ा थोड़ा चुरा करके अपनी वोट बैंक के लिए किसी दूसरे को देने की फिराक में लगते हैं, और इसलिए ऐसे लोगों से चेती है। और ये लोग पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं। भाई और बहनों, हमारी सरकार, एनडीए का हमारा हर साथी गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से हमारे प्रयास आज सबके सामने है। अभी बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक छोटे सीमांत किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। जिसको अभी नहीं मिली है उनको बहुत ही जल्द पहली और दूसरी किस्त भी मिल जाएगी। अब हमने इस योजना को विस्तार देने का फैसला किया है। 23 मई को मालूम है ना, 23 मई को क्या है मालूम है, 23 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, रिजल्ट आएगा। और 23 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब फिर एक बार जब मोदी सरकार बनाएंगे तब बिहार के किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए जो 5 एकड़ भूमि का नियम है वो नियम हटा दिया जाएगा और सभी किसानों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना से जुड़ा जो 5 एकड़ वाला नियम था वो भी हम हटाने वाले हैं। साथियों, देश का ये पूर्वी हिस्सा नए भारत के विकास की अगुवाई करे, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। रेल हो, सड़क हो, बिजली हो, गैस की पाइपलाइन हो, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार की सुविधाओं को हम नीचे तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन हो, नेपाल के साथ व्यापार के लिए बना लैंड पोर्ट हो, बाटनाहा विराटनगर रेल प्रोजेक्ट हो, अररिया सुपौल गलगलिया रेल लाइन हो, इंडो नेपाल बॉर्डर रोड हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स यहां या तो पूरे हो चुके हैं या फिर पूरे होने वाले हैं। विकास और विश्वास की यही नीति पूर्वी भारत को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगी। साथियों, और जब मैं पूर्वी भारत कहता हूं तब उड़ीसा,
बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे क्षेत्र का विकास ये मेरा सपना है। साथियों, हमें मिलकर एकजुट होकर विकास के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है, मिलकर देश की चौकीदारी करनी है। आपका हर वोट, आप जब कमल के निशान पर वोट दबाओगे, जब आप तीर पर वोट दबाओगे, जब आप हमारे रामविलास जी की पार्टी पर वोट दबाओगे, तब आप लिख करके रखिए, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जमा होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं एक संकल्प लेना चाहता हूं, आप लेंगे मेरे साथ? अहां सब हमारा संग एकता संकल्प लिए, आ एकता नारा लगाओ, हम जे कहब ओकर बाद अहां सब कहियो, घर घर में अच्छी चौकीदार, घर घर में अच्छी चौकीदार। आप बोलिए मेरे साथ, घर घर में अच्छी चौकीदार, घर घर में अच्छी चौकीदार। उधर से भी आवाज आनी चाहिए, घर घर में अच्छी चौकीदार। अब मैं नारा बुलवाता हूं, आपने बोलना है घर घर में अच्छी चौकीदार। भ्रष्टाचारी सब होशियार, भगोड़ा सब पर कानून के बार, बंद भेल काला कारोबार, देशद्रोही सब पर कड़ा प्रहार, आतंक पर भय रहल अच्छी आखिरी बार, दुश्मन भय जाऊ खबरदार, घुसपैठी भागल सीमा पार, टूटत आप जाति पाति केर दीवार, वंशवाद केर होयत हार, दागदार पर भारी कामदार। आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।